नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी, स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं आपको बताया था कि 27 तारीख को आपका एक बैठक बुलाई गई थी विनियमन समीक्षा समिति, जिसके अंतर्गत मुद्दा रखा गया था आपका नई शिक्षक भर्ती जो है उसको लेकर के। क्या कुछ हुआ है इसमें और साथ ही साथ आज भी एक बैठक हुई, क्या कुछ हुआ, उन दोनों की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि यहाँ पर जो आपका बैठक हुई थी विनियमन समीक्षा समिति वाली, इसमें केवल और केवल आंकड़ों को जुटा करके दिया जाता है, तो इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं हुआ था। जैसे मान लीजिए हमें भर्ती करनी है या नई शिक्षक भर्ती निकालनी है, तो कितने आंकड़े किस किस जिले में खाली है, वो आंकड़ों को इकट्ठा करना, वो सारी चीजें इस समीक्षा समिति में रखी गई थी। तो कल वाले दिन ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने आपको वीडियो बना करके भी नहीं बताया था, क्योंकि कई लोग कमेंट में पूछ रहे थे क्या हुआ बताइए। अब आज जो है ये जो कैबिनेट बैठक होनी थी, जो कल समीक्षा समिति में जो आंकड़े जुटाए गए थे वो इस कैबिनेट मीटिंग के सामने रखने थे, कुछ प्रस्ताव भी रखे थे कि क्या उनमें से कितने पास होंगे। तो टोटल 35 प्रस्ताव यहाँ पर जो है वो आज की जो कैबिनेट मीटिंग हुई है इसमें पास किए गए हैं। और उनमें अगर बात करें किसी को देखना है कौन कौन से प्रस्ताव हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, यहाँ पर जा सकते हैं। इसमें आपका ये 38 मिनट 37 सेकंड का वीडियो है, जिसमें प्रेस वार्ता जो होती है उसमें जितने भी आपके निर्णय लिए गए हैं उनको बताया गया है। मैं आपको बता देता हूँ निर्णय भी, जैसे 50% दिव्यांग और 50% सामान्य जो छात्र हैं वो शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। जगत गुरु राम भद्राचार्य के नाम पर होगा दिव्यांग विश्वविद्यालय का नाम। ये सब निर्णय इसी योगी कैबिनेट की बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो जानकारी दी गई है इसमें ही जो है वो लिए गए हैं। दिव्यांग विश्वविद्यालय का नाम जो है वो बदला गया है। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी जानकारी दी गई, मैंने बताया भी कहाँ से आप देख सकते हैं, लखनऊ में कैबिनेट मीटिंग जो है वो होनी थी। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सारे मुद्दे दिए गए, परंतु शिक्षक भर्ती को लेकर के कहीं भी बात नहीं की गई। पूरा 38 मिनट का वीडियो मैंने सुना भी है, मैंने सोचा शायद ऐसा ना हो कि मेन इन मुद्दों में ना आया हो, कहीं उन्होंने कुछ बात की हो, तो कहीं कोई बात नहीं की है। आप चाहें तो देख भी सकते हैं, इसमें यही सारी चीजें हुई हैं। कैबिनेट जो बैठक है इसमें 33 प्रस्ताव यहाँ पर बताए गए हैं इस न्यूज आर्टिकल पे, परंतु मैंने वीडियो में सुना है उन्होंने 35 प्रस्ताव की बात की गई है। और एक उन्होंने अलग से दिन की बात भी की है कि 29 जो जून है उसमें व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ऐसा भी उन्होंने बोला था, उनके वीडियो में मैंने सुना था। बाकी जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांगजन विश्वविद्यालय का प्रस्ताव पास हुआ और साथ ही साथ उनको राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, यही सारी चीजें इसमें हुई है। नई शिक्षक भर्ती को लेकर कहीं भी कोई भी बात जो है वो नहीं की गई है। अब इसका बाद में पीडीएफ भी जारी होता है जिसमें जो भी निर्णय लिए गए हैं उसमें अगर कोई चीज देखने को मिलेगी तो मैं आपको अवश्य सूचित करूंगा। बाकी इस कैबिनेट बैठक में कोई भी प्रकार की शिक्षक भर्ती को लेकर के बात जो है वो नहीं की है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हो सकता है वहां चर्चा हुई हो जो आपका कैबिनेट मीटिंग है, परंतु प्रेस वार्ता में जो जानकारी दी गई उसमें किसी भी बात को लेकर के बात नहीं की गई। तो यही था हमारे इस अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।